पिछले दिनों त्योथर गढ़ी सुहरावा के आशुतोष की आर्मेनिया में हुई हत्या के बाद शव को भारत लाने का प्रयास हुए तेज। त्योथर विधायक श्यामलाल के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा, भांजे को तो नहीं ला सकता लेकिन उसका शरीर भारत आएगा। पिछले दिनों त्योथर गढ़ी सुहरावा के आशुतोष की आर्मेनिया में हुई हत्या के बाद शव को भारत लाने के प्रयास हुए तेज। त्योथर विधायक श्यामलाल के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा, भांजे को तो नहीं ला सकता लेकिन उसका शरीर भारत आएगा। मध्य प्रदेश के लाल की आर्मेनिया में हुई हत्या के बाद शव को भारत लाने के प्रयास हुए तेज। त्योथर विधायक ने मुख्यमंत्री से की बात। MBBS की पढ़ाई करने गया था आशुतोष, जहां उसकी हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन से शव को भारत लाने की गुहार लगाई परिजनों ने। हम बात कर रहे हैं त्योथर गढ़ी सोहरावा निवासी आशुतोष द्विवेदी की। आशुतोष पढ़ाई के लिए आर्मेनिया गए थे, वहां पर MBBS डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने गए थे, जिनका देहावसान हो गया, हत्या हो गई। भारत सरकार से परिजनों ने अनुरोध किया है कि उनके शरीर को भारत मंगाकर उनको सौंप दिया जाए, जिससे वह उनका अंतिम संस्कार कर सकें। आर्मेनिया से 29 अगस्त को खबर आई थी उसकी हत्या कर दी गई है, तभी से परिवार वालों के प्रयास जारी हैं। युवा मेधावी छात्र के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए परिवार के लोग बेहद परेशान हैं। परिजन त्योथर के गढ़ी सोहरावा से दिल्ली तक गुहार लगा चुके, अपने देश की संस्कृति भी रही, हिंदू सनातनी परंपरा के मुताबिक देह अपनी माटी में ही मिलने की परंपरा रही है। रीवा जिले की आम जनता द्विवेदी परिवार पर हुए ब्रज आघात से अत्यंत दुखी, वह भी चाहती है एक होनहार युवा का शरीर अपनी मिट्टी में ही मिले, जिसके लिए वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांग करती है। आशुतोष द्विवेदी के पार्थिव शरीर को रीवा जिले के त्योथर तहसील के गढ़ी सोहरावा तक पहुंचाने का प्रबंध करवाएं। इलाके के विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने भी इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है। उनका साफ तौर से कहना था, मुख्यमंत्री ने कहा है, मैं उसको तो नहीं ला सकता लेकिन उसके शरीर को लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए आपको सुनाते हैं त्योथर क्षेत्र के विधायक श्यामलाल और उनके परिजन इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। आर्मेनिया के राजधानी प्लेस इरविन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यहाँ से गया था। अभी 15 दिन पूर्व, हमारी बात तो कभी कभी होती थी, लेकिन 15 दिन पूर्व अपने बड़े भाई से उसने बात किया था। हमको, हमारा एक भांजा है विनीत मिश्रा, उसके पास एक वहीं से टेलीफोन आया। किसका आया ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उसने ये बताया कि उसका मर्डर हो गया है और आप लोग अपनी तैयारी करें और व्यवस्था बनाएं उसको ले आने की, या अन्य व्यवस्था जो कर सकते हो वो करें। 29/8/2022 को अचानक सूचना मिली कि मेरा भांजा जो आर्मेनिया में मेडिकल का छात्र था उसका निधन हो गया। सुनकर अस्तब्ध रह गया मेरा भांजा आशुतोष द्विवेदी, सनाथ कैलाशनाथ द्विवेदी सुहरवा। कि निधन की खबर सुनकर पूरे इलाके में मायूसी छा गई। शीघ्र में ग्राम सुहरवा गया, पूरा घर मातम में तब्दील था। मैं तत्काल माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के विशेष कर्तव्य अधिकारी आदरणीय आनंद शर्मा जी से स्थिति को अवगत कराया। उन्होंने तत्काल राजस्व सचिव को, मुख्य सचिव को इस बात से अवगत कराकर दिल्ली में भांजे का पार्थिव शरीर भारत ले आने की कार्यवाही प्रारंभ करा दिया। और आज मेरी बात माननीय CM साहब से हुई, वो दिल्ली प्रवास में थे। उनसे इस संकट की घड़ी में हमने निवेदन किया
कि मेरी भांजी का शरीर, पार्थिव शरीर, हिंदुस्तान वापस ले आया जाए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि श्यामलाल चिंता मत करो, भांजे को तो नहीं ले आ सकता, लेकिन इस संकट की घड़ी में मैं जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर तत्काल पार्थिव शरीर भारत ले आने का प्रयत्न करूँगा। उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया और मुझे दोबारा टेलीफोन करके बताया कि जो भी राशि लगेगी, परिवहन व्यय होगा, वो मैं सीएम स्वेच्छानुदान से अदा करवा दूंगा और पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत आए ये व्यवस्था करूंगा।